शायद रास्ता भूलकर इस घर तक आ गए हो। कोई अपना घर भूल गया था, उसे रास्ता दिखाने आया हूं। आओ रमा। माय गॉड, मेरी बेटी रमा। हम तो सब समझते रहे, भगवान ने करे आप तो कभी नहीं मिलेंगे। नहीं माँ, मैं आ गई, मैं आ गई माँ। बाबूजी, बेटी, बाबूजी, मेरी बच्ची। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते बेटा। मैंने एहसान नहीं, रमा को किया हुआ वादा पूरा किया है। मैं नीचे इंतजार करता हूँ। गुरु, अभी से क्यों जा रहे हो बेटा? पूजा करके जाना। अगर ये पूजा में बैठा तो मैं चली जाऊंगी। मगर बहन, आज के दिन तो किसी को घर से नहीं निकालते। ये मंदिर नहीं, घर है, और शरीफों की घर की पूजा में जलील बाजारू गुंडे नहीं शामिल होते। मैं जा रही हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है माँ, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ गुरु। आंटी जी, आप सबको धोखा हो रहा है। नहीं रमा, तू कुछ नहीं बोलना। मैं चुप नहीं रहूंगी गुरु। आंटी जी, गुरु ने आपको धोखा दिया है। गुरु वो नहीं जो आपको नजर आता है। कुछ नहीं बोलना रमा। गुरु एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? ये एक पुलिस ऑफिसर है जिसे देश के दुश्मनों का पता लगाने के लिए गुंडा बनने का नाटक करना पड़ा। तुम्हें पुलिस में कमीशन कब मिला? जिस दिन तुमने अपनी हथेली पर जोत जलाई थी। उसी दिन? हाँ, लेकिन तुमने अपनी नौकरी के बारे में हमेशा क्यों छुपाया? इसलिए कि मैं तुमसे छुपाना चाहती थी। होटल के कमरे साफ करती थी। मैं जानती हूँ कि तुम ये पसंद नहीं करते। अपनी माँ से भी छुपाया? मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने कसम खाई थी माँ, आज भी अगर रमा ना बोलती मैं अपने आप को तुमसे छुपा कर रखता। मेरे बच्चे, मेरे लाल।